हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की बुक नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में कराएंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर में 5 बुक चलती हैं, जिनमें से हमने अभी तक 2 बुक कंप्लीट करा दी हैं और चैप्टर नंबर और बुक नंबर थर्ड करा रहे हैं, जिनमें से आज चैप्टर नंबर 5 इसमें हम कराएंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारे जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब लागू किया? तो दोस्तों, भारत सरकार ने जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है वो 1969 ईस्वी में लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मतलब कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बर्थ कितने दिनों में रजिस्ट्रीकरण करवा लेना चाहिए? मतलब कि बर्थ को कितने दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? तो 21 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा क्या है, डेथ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन, डेथ को कितने दिनों में रजिस्ट्रीकरण करवा लेना चाहिए? तो दोस्तों, 21 दिन में डेथ को भी कराना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रीकरण कराना 21 दिनों के भीतर अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है दोस्तों, NRI बर्थ एंड डेथ मस्ट बी रजिस्ट्रेशन, मतलब विद इन कितने दिनों में NRI को बर्थ एंड डेथ मस्ट बी रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है? मतलब कि NRI जो होता है उसको बर्थ और डेथ कितने दिनों में रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहिए? तो 90 दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हो दोस्तों, दिया हुआ है, यदि कोई इंडियन कपल है, मान लीजिए कि कोई इंडिया का कपल है और वो भारत से बाहर है, ठीक है, भारत से बाहर गया हुआ है और वहीं पे वो बच्चे का बर्थ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको इंडिया पहुंचकर 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि कोई इंडियन कपल है वो बच्चे को भारत से बाहर जन्म देता है, तो जन्म को 60 दिनों के भीतर इंडिया में पहुंचकर करवाना अनिवार्य होता है रजिस्ट्रेशन दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठवा क्या दिया हुआ है, अधिनियम की किस धारा के तहत जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? मतलब कि अधिनियम के किस धारा के तहत जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो धारा सत्रह के अधीन दोस्तों अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, शव का निपटान कितने प्रकार से होता है? तो शव का निपटान दोस्तों दो प्रकार से होता है, पहला है दाह संस्कार करके अर्थात जलाकर, और दूसरा क्या है, दफनाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, शव को भूमि की सतह से कम कितने फीट गहराई में दफनाना चाहिए? अर्थात इसमें कहा गया है कि जो शव होता है उसको भूमि में कितने फीट की गहराई तक में दफनाना चाहिए? तो 6 फीट की गहराई में, ठीक है, दफनाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर नौवा क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नौवा है, कब्र खोदते समय पास की कब्र से कम कितने फीट की दूरी हो? मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो दो कब्र के बीच में कितने फीट की दूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों, दो कब्र के बीच में 2 फीट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, 2 फीट की दूरी होना अनिवार्य होता है। अगर दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।